फिल्मी अंदाज में दूल्हा ने बड़ी ही भावुकता के साथ दुल्हन से रचाई शादी। बीमार दुल्हन की हॉस्पिटल पहुंचकर हौसला बढ़ाते हुए दूल्हा ने किया हॉस्पिटल परिसर पर शादी। जांजगीर चांपा जिले के परसाडी गांव के राजा उर्फ बंटी ने गांव की लड़की से तय मुहूर्त पर विवाह होना था। वहीं विवाह की तिथि पर लड़की की अचानक तबियत बिगड़ जाने से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जहां डॉक्टर ने उसकी बड़ी आंत में छेद होना बताया और ऑपरेशन करना बताया, जिससे परिवार में शादी को लेकर बड़ी चिंता की विषय बनी। वहीं दूल्हा ने तय समय पर दुल्हन के हौसला बढ़ाने हेतु हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल परिसर में लड़की से विवाह करने का फैसला लिया, जिससे परिवार के लोग दूल्हा के इस प्रेम को देखकर बहुत ही भावुक हुए और दोनों को आशीर्वाद देते उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं हॉस्पिटल संचालक ने इस प्रकार की शादी को एक अनोखी शादी बताई और कहा कि मरीज गंभीर अवस्था में वहीं उनका जिससे शादी होना था, वहीं दूल्हे ने पहुंचकर उसकी हौसला अफजाई किया और उससे शादी की, साथ ही साथ उसका इलाज भी संपन्न हुआ। इस प्रकार के समाज में लोगों की एक इस तरीके की शादी एक अलग ही उदाहरण देती है, जो लोगों के लिए एक अनोखी शादी बनी थी, जिसका हॉस्पिटल संचालक ने दूल्हा को धन्यवाद कहा और वरवधु को आशीर्वाद दिया। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेला राम कश्यप की रिपोर्ट। रहने वाली है लड़की, 21 साल की लड़की है, वो पेट दर्द से काफ़ी परेशान थी। जब हमारे हॉस्पिटल आया गया, हम जांच किए, सोनोग्राफी कराया गया, सोनोग्राफी में पता चला कि बड़ी आंत में उसकी छेद है। मरीज के परिजन से बताया गया कि उनको बड़ी आंत में छेद है और डॉक्टर ने हमारे यहाँ जो डॉक्टर है वो बताया कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। समस्या ये थी कि लड़की की शादी 20 तारीख को तय की गई थी, मेहमान देखते हुए जो है उनके घर वाले जो है, और शादी भी करना जरूरी था, ऑपरेशन भी करना जरूरी था, दोनों को साथ में लेते हुए जो है कल के डेट में उसकी शादी पूरे परिजन पूरे बराती के साथ जो है हॉस्पिटल परिसर आए और लड़की जो है अच्छा स्वस्थ हो गई है और 20 तारीख के डेट में उनकी जो है शादी की गई, जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधक, उनके परिजन सभी का सहयोग रहा।